हेलो दोस्तों, एयर बाइसेल मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप हियरिंग कैसे अटेंड करें। अपने यदि आपका खुद का एप्लीकेशन है, यदि आप चाहते हैं कि हियरिंग के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट पे ना करना हो, ऑफकोर्स यदि आप खुद हियरिंग अटेंड करेंगे तो आपको कोई पेमेंट पे करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फीस नहीं होती है। यदि आप किसी थर्ड पार्टी या प्रोफेशनल से फाइल करवाते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपको प्रोफेशनल फीस पे करना होता है। तो क्वेश्चन मार्क ये आता है कि हम हियरिंग अटेंड कैसे करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है कि आपको हियरिंग अटेंड करते समय बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। हम ये डरते हैं कि हम उनसे क्या बोलेंगे, हमें तो लॉज नहीं आते। आपको वहाँ कोई भी लॉ डिस्कस करना नहीं आता होता है। बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो आपने ब्रांड नेम अप्लाई किया है, क्या वो रजिस्टर होने लायक है या नहीं है। होने लायक हो तब भी आप डिस्कस कर सकते हैं, नहीं हो तब भी आप डिस्कस कर। आपको राइट होता है एग्जामिनर के सामने अपना व्यू रखने का। तो छोटा सा एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट दिखा के, कि जैसे एक ये था पंचकल्प है ये एक्चुअली में आयुर्वेदा में डील करते हैं। और इन्होंने जब फाइल किया था एप्लीकेशन तो इनके ऊपर क्या हुआ, पंचकल्प रिष्ट, ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ब्रांड है जो सेक्शन क्लास 5 में फाइल था, इसकी वजह से ऑब्जेक्शन आ गया था। अब देखा जाए तो पंचकल्प और पंचकल्प रिष्ट दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज हैं, लेकिन डिसिमिलरिटीज हैं। यही हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम जब कोई वर्ड बोल रहे होते हैं, कोई भी ब्रांड का नाम ले रहे होते हैं, तो क्या दूसरे वाले ब्रांड की सिमिलरिटीज उससे कितनी ज़्यादा है। यदि हम यहाँ पर बोलते हैं किसी मेडिकल स्टोर पर मुझे पंचकल्प सिरप चाहिए, और फिर हम जिससे ऑब्जेक्शन है हम उसके बारे में बोलते हैं कि हमें पंचकल्प रिष्ट चाहिए, तो दोनों में काफी डिफरेंस आ रहा है। लगभग 30% का डिफरेंस दिख रहा है कि हम दोनों वर्ड्स को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि फर्स्ट पॉइंट, हमको ये ट्रेडमार्क मिल जाना चाहिए। हम नहीं करें, मिल जाएगा, चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग आपको क्या देखना है कि दोनों ब्रांड का ऑब्जेक्टिव चेक करना है, क्या दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो सिमिलर है या डिसिमिलर है। ये भी प्लस पॉइंट, क्या मैक्सिमम प्लस पॉइंट होता है आपको ट्रेडमार्क मिलने का। यदि आपका ट्रेडमार्क, हम कहते हैं 70-80% भी रिजेंबलेंस है, किसी से कंफ्लिक्ट कर रहा है और आपका ऑब्जेक्टिव अलग है, तो ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास राइट होते हैं एज पर सेक्शन 12, वो आपको ट्रेडमार्क असाइन कर सकते हैं, आपके ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहां से दो चीजें आपको क्या क्लियर करनी, एक कि आपका जो ब्रांड नेम है वो रजिस्टर होने लायक है कि नहीं है, मतलब वो ऐसा तो नहीं मार्केट में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। सेकेंड थिंग, या किसी से वो कन्फ्लिक्ट हो रहा हो, आपको लगता है कि साउंड नियर अबाउट सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हियरिंग के लिए जा सकते हैं। सेकेंड, आपको ऑब्जेक्टिव जरूर ध्यान रखना, और ये ही दो चीजें आपको हियरिंग ऑफिसर से डिस्कस करना। आपको नहीं बोलना है कि सर इस सेक्शन में ये आता, आपको कुछ नहीं बोलना, आपको अपनी जनरल लैंग्वेज में उनसे ये बोलना है कि सर हमारा जो ट्रेडमार्क है वो बिल्कुल अलग है दूसरे के ट्रेडमार्क से, और देखा जाए तो दोनों में जो ऑब्जेक्टिव का सिमिलरिटीज है वो भी अलग है, मतलब दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग है और हमारा ट्रेडमार्क अलग अलग, मतलब कह सकते हैं सिमिलरिटीज में भी अलग है और ऑब्जेक्टिव में अलग है। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे ट्रेड को रिव्यू कीजिए एज पर सेक्शन 12 और हमें ग्रांट कीजिए कि हम फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकें। आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना होता, बस इतना ही आपको अपना व्यू रखना होता है, ठीक है।
और यदि आपको लगता है कि ये रजिस्टर होने लायक नहीं है, फिर भी आप अपनी बात रजिस्ट्रार के सामने रख सकते हैं कि सर हमारा ट्रेडमार्क बहुत समय से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अभी तक हमें ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कस्टमर को कि हमारा जो ट्रेडमार्क वो किसी दूसरे से सेफ है सेम है या कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे ट्रेडमार्क को रजिस्टर के लिए प्रोसेस करें। बस आपको इतना ही बोलना, आपको कोई रूल रेगुलेशन उनके सामने नहीं बोलना। जो बड़े बड़े अटॉर्नीज होते हैं वो भी जनरल बात ही करते हैं, हमें लगता है कि वो रूल्स डिस्कस करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत छोटी सिंपल हियरिंग होती है, इसमें इतने रूल रेगुलेशन के बारे में नहीं बोलना होता। अब आपको हियरिंग अटेंड कैसे करें, ऐसे कहाँ से हम जाएँ कि हम अपने जो हमारे रजिस्ट्रार हैं आईपी इंडिया के उनसे हम अटेंड हियरिंग अटेंड कर पाएं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपने खुद एप्लीकेशन फाइल किया है तब तो उसका जो लिंक आएगा वो आपके मेल पे आएगा कि आपकी इस डेट को हियरिंग लगी हुई है, आपको आना है। और यदि आपके अटॉर्नी के पास लिंक गया होगा तो आप अपने अटॉर्नी से बोल दीजिएगा कि सर और जब भी लिंक आए तो आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, वो जिस दिन हियरिंग होती है उससे एक से दो दिन पहले ही आता है। अब यदि आपने फाइल किया तो आपको तो अपडेट होता रहेगा क्योंकि मेल आता रहेगा। यदि आपके एजेंट आपको मेल करते फाइल किया तो आपको नहीं पता चलता है कि कैसे आपका इस समय क्या स्टेटस है, तो आपको मैं बता दूं मैंने इस पे वीडियो भी बनाया कि स्टेटस कैसे चेक करें, कहां से सर्च करें। तो आप सिंगल मैंने आपको ये वेबसाइट के जो लिंक्स हैं यहां दे दिए हैं, यहां से आप एप्लीकेशन ट्रेडमार्क अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और एप्लीकेशन नंबर डालते ही आप यहां पर अपना सर्च करेंगे तो आपके ट्रेडमार्क का स्टेटस पता चल जाएगा और टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी हियरिंग कब लगी है। और हाँ, हियरिंग कहां से अटेंड करेंगे, वो लिंक कैसे मिलेगा, तो हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे दे रहे हैं जहां पे आप उस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि हम हियरिंग कैसे अटेंड करें। ठीक है दोस्तों, यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई अभी भी कोई दिक्कतें आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, हम आपको वहां पर रिप्लाई कर देंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे औरों की भी बहुत ज्यादा हेल्प हो। थैंक यू, धन्यवाद।